ऋषि ने मलिष्का को छोड़कर बचा लिया लक्ष्मी को और मलिष्का होगी ऋषि पर गुस्सा, लेकिन पहली बार रोएंगे ऋषि के पापा लक्ष्मी के लिए। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का लक्ष्मी को कह देगी कि ऋषि सिर्फ मेरा है और मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ, तब यह सुनकर लक्ष्मी कह देगी कि ऋषि मेरे पति है, वो मेरे सुहाग है और तुम कैसी बात करी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन लक्ष्मी गुस्से से मलिष्का को कह देगी कि अब आइंदा से मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें मैं ऋषि के आसपास रहने दूंगी। ये सब लक्ष्मी के मुंह से सुनकर मलिष्का डर जाएगी और बात को घुमाते हुए मलिष्का लक्ष्मी को कह देगी कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा मतलब ये था कि मुझे ऋषि जैसा पति चाहिए और मैंने तुम्हें ये सब कहने के लिए ऋषि की बहन से बैठ लगवाई थी। ये सब मलिष्का लक्ष्मी को कहकर बात को घुमा देगी, जिसके बाद लक्ष्मी शांत हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मी की जान पर बड़ा खतरा तब आएगा और ऋषि के पापा पहली बार लक्ष्मी के लिए तब रोएंगे जब गार्डन में जब सभी लोग दिवाली के पटाखे फोड़ रहे होंगे, तभी दिवाली के पटाखे में अनार वाला पटाखा फट रहा होगा, जिस वजह से ऋषि के पापा ऋषि को कह देंगे कि ये पटाखे इस बार खराब आए हैं, इसी वजह से यह अनार वाला पटाखा चलाने से सभी को मना कर दो। लेकिन तभी काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि लक्ष्मी ने मलिष्का के साथ मिलकर गार्डन में फुलझड़ी के जरिए अनार वाला पटाखा चला दिया होगा, जिस वजह से जब लक्ष्मी दूसरा पटाखा लेने के लिए जाएगी तभी वो पटाखा अचानक से फट जाएगा और उसकी जरा सी आग टेबल पर पड़े हुए सारे पटाखे पर लग जाएगी और अचानक से सारे पटाखे फटने लगेंगे, जिससे वहाँ पर खड़ी लक्ष्मी और मलिष्का की जान पर खतरा आएगा। जिस वजह से जब गार्डन में ऋषि मलिष्का की बचाओ बचाओ की आवाज सुनेगा, तभी ऋषि मलिष्का की जान बचाने के लिए गार्डन में पहुंच जाएगा और उसे वक्त ऋषि की नजर लक्ष्मी पर जाएगी, जहां पर लक्ष्मी अपने आप को बचाने से पहले ऋषि को पटाखे से दूर जाने के लिए कहेगी और कहेगी कि मेरी फिक्र मत करो, यहां से चले जाओ। जिस वजह से ऋषि मलिष्का के बाजू में खड़े होने के बावजूद सबसे पहले दूर खड़ी हुई लक्ष्मी की जान बचाएगा और ऋषि को लक्ष्मी को बचाते हुए देख मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और मलिष्का देखती रह जाएगी। लेकिन मलिष्का को और कोई नहीं बल्कि विराज बचाने के लिए आ जाएगा और मलिष्का की वजह से विराज को लग जाएगी एक बड़ी चोट। लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी को बचाकर घर में लाएगा, तभी कमरे में ऋषि के बाऊजी लक्ष्मी को अपने बाजू में बिठाकर रोते हुए लक्ष्मी को कहेंगे कि तुम्हें कुछ तो हुआ तो नहीं है ना। तब लक्ष्मी कहेगी कि नहीं बाऊजी, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ऋषि के पापा रोते हुए कहेंगे कि अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो आज मैं जिंदा नहीं रह पाता और यहाँ पर मुझे दिल में कुछ हो जाता। यह सुनकर लक्ष्मी के भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन घर में करिश्मा बुआ लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए और लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए लक्ष्मी के सामने देखकर कहेगी कि आज विराज ने मलिष्का के साथ यहाँ पर आकर दिवाली की शांति से सेलिब्रेशन को करना चाहा था, लेकिन ये लक्ष्मी की गलती की वजह से उसे कितनी बड़ी चोट आ गई। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा, लेकिन मलिष्का अपने आप को अच्छी दिखाती हुई कहेगी कि लक्ष्मी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं उसे यहाँ पर ले आई और अब मैं चलती हूँ। यह मलिष्का के मुँह से सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शॉक लगेगा और जब मलिष्का गुस्से से जारी होगी, तभी ऋषि मलिष्का के पीछे पीछे जाएगा और मलिष्का को कहेगा कि तुम्हें हो क्या गया है। तब मलिष्का कहेगी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ है तो वो तुम्हें है, क्योंकि तुम पूरे बदल गए हो, तुम मेरे ऋषि नहीं हो। ये सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन ऋषि मलिष्का को छोड़कर लक्ष्मी की जान बचाकर सही करेगा या नहीं, और अगर एक साल बाद ऋषि लक्ष्मी को छोड़ देगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।